दोस्तों, इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड में आईपीएल का क्रेज देखा जा रहा है। 22 मार्च से शुरू हो रहे इस ब्रांड टी20 लीग का 17वां एडिशन रोमांच के लिए तैयार है। आईपीएल के बढ़ते खुमार के बीच क्रिकेट फैंस की नजरें इस मेगा टी20 लीग के 17वां एडिशन के खत्म होने के तुरंत बाद होने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर भी टिकी है। दोस्तों, 1 जून से टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में होने वाले इस टी20 वर्ल्ड कप इवेंट के लिए भी इंटरनेशनल टीमें अपनी तरफ से तैयारी में जुट गई हैं। दोस्तों, आईपीएल की चर्चा के बीच इस वक्त टी20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों, इस टी20 इवेंट को लेकर टीमें तैयारियां कर रही हैं, जिसका एक नजारा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की तरफ से देखने को मिला है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम के कप्तान पर मुहर लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस बार के वर्ल्ड कप में पैट कमिंस या स्टीव स्मिथ जैसे बड़े खिलाड़ी टीम को लीड नहीं करेंगे, बल्कि टीम के कमान स्टार ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी मिशेल मार्श पर सौंपी गई है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्श को कैप्टनसी देने का फैसला करना एक बहुत ही बड़ा कदम है। मिशेल मार्श को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज में कैप्टनसी का मौका मिला था, जहां कंगारू टीम ने बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया था। इतना ही नहीं दोस्तों, मिशेल मार्श ने अपनी कैप्टनसी से भी प्रभावित किया है। ऐसे में अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस बड़े इवेंट में उन्हें टीम के कमान सौंप कर आगे बढ़ाना चाहती है। दोस्तों, मिशेल मार्श की कैप्टनसी देने का फैसला आपको कैसा लगा? क्या ये स्टार खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया को जिता पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें।